यूपी पंचायत इलेक्शन 2021 की खबर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें, पंचायत इलेक्शन 2021 और आरक्षण सूची को लेकर एक बिल्कुल ताजा खबर निकल कर आ रही है कि यूपी पंचायत चुनाव में ब्लॉक स्तर पर आरक्षण तय करेंगे 10 नोडल अफसर, देखें लिस्ट। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से कि कौन से नोडल अफसर किस ब्लॉक में आरक्षण तय करने का काम करेंगे। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। डीएम ने ब्लॉक स्तर पर आरक्षण तय करने के लिए 10 अफसरों को नोडल बनाया है, जो अलग अलग ब्लॉकों की जिम्मेदारी संभालेंगे। डीपीआरओ कमल किशोर के मुताबिक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के स्थानों और निश्चित समय सीमा के अंदर करने और निदेशक पंचायती राज को सूचना भेजने की जिम्मेदारी भी नोडल अधिकारी की होगी। जिला प्रवेशन अधिकारी को कल्याणपुर, समाज कल्याण अधिकारी को बिदनू, कृषि अधिकारी को सरसौल, जिला विकास अधिकारी को घाटमपुर, जिला कृषि रक्षा अधिकारी को पतारा, उप कृषि निदेशक को भीतरगांव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को बिल्हौर, सहायक निबंधन अधिकारी को समितियन को ककवन, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सिवराजपुर और उद्यान अधिकारी को चौबेपुर का नोडल अफसर बनाया गया है। इनकी मदद के लिए बीडीओ, एडीओ पंचायत, एडीओ सहकारिता और एडीओ आईएसबी रहेंगे। फिर शिक्षण 18 फरवरी को विकास भवन के सभागार में होगा। आपको बता दें, डीपीआरओ को मिली ट्रेनिंग, जिला स्तरीय आरक्षण लागू करने के लिए डीपीआरओ स्तर का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। माना जा रहा है कि इसके बाद तय हो सकेगा कि किस ग्राम सभा में कौन सा गांव किस वर्ग के लिए आरक्षित है। पंचायत चुनाव के ग्रामीण स्तर के आरक्षण की अंतिम सूची 2 मार्च को प्रकाशित होगी, जिस पर दावे और निस्तारण के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन 15 मार्च को किया जाएगा। इससे लेकर लखनऊ में पंचायत राज कार्यालयों को प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रयागराज से डीपीआरओ रेणु श्रीवास्तव लखनऊ में प्रशिक्षण लेने गई है। ब्लॉक प्रमुख और ग्राम सभा में कौन सा गांव किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, माना जा रहा है कि इसका निर्धारण हो चुका है। फिर देश भर से डीपीआरओ जो जानकारियां ले गए हैं, लखनऊ में प्रशिक्षण में इसका मिलान शासन करेगा। इसके बाद आरक्षण सूची प्रकाशित करने का काम शुरू होगा। चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल से पहले ही पूरी करनी होगी। सीटों का आरक्षण जानने को सभ्य करार। आपको बता दें, शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण तय कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानों का भी आरक्षण शासन ने घोषित कर दिया है। अब किस ग्राम सभा में कौन सा गांव या वार्ड किसके लिए आरक्षित होगा, इसकी सूची जारी होना बाकी है। विकास भवन में पिछले 3 दिनों में ये जानने के लिए प्रधान चक्कर लगा रहे हैं। पंचायत राज विभाग हो या निर्वाचन कार्यालय, प्रधान और समर्थक उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे तय होगा आरक्षण। तो आपको बता दें, शासन की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण का आवंटन जारी किया जा चुका है। किस जिले में कितने ब्लॉक प्रमुख के पद आरक्षित होंगे, ये भी साफ हो चुका है। पंचायत राज निदेशालय ने ब्लॉकवार आरक्षित गांव की संख्या घोषित कर दी है। जिले स्तर पर ये तय होना है कि किस ब्लॉक में प्रमुख का पद आरक्षित रहेगा या अनारक्षित। उम्मीद करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।